नमस्ते भारत। ये हमारे प्राकृतिक गेहूँ हैं, तो हम देख रहे थे हमारे गेहूँ में कहीं कोई रोग तो नहीं है। साथ साथ में हम अपने स्प्रिंकलर सिस्टम वाले फुहारे हैं वो बदल रहे थे और लाइन लगा रहे थे। अब ये लाइन लगा के हम अपने घर की तरफ जा रहे थे, तो सोचा क्यों ना एक वीडियो बना लिया जाए और आपको इस बारे में जानकारी दे दी जाए। दोस्तों, प्राकृतिक खेती करके आप अपनी फसल को रासायनिक खेती से भी अच्छा बना सकते हैं। ये देखिए, संदीप फवारे लेकर उधर जा रहा है और हम साथ साथ वीडियो भी बनाते जा रहे हैं। दोस्तों, हमारा पार्टनर थोड़ा सा शर्मीले स्वभाव का है, तो थोड़ा दूर चला गया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसकी थोड़ी मदद कर दें और थोड़ा सा उसका भी वीडियो बना लें। आज बड़े भैया भी आए हुए हैं। क्यों शानदार ही है। उन्हीं के निरीक्षण में ये प्राकृतिक गेहूँ है। ठहरता गेहूँ बुनने भी सही चौकाई थोड़ा सा ही ठहरे। क्यों देख भी कर रहे हैं, फिलहाल आज निरीक्षण कर रहे हैं कि खेती किस प्रकार की है। फिलहाल गेहूं की खेती इस साल बहुत ही अच्छी है प्राकृतिक खेती में। और ये जो हमारे चारों ओर है गेहूं की खेती है, बहुत ही अच्छी है। ये देखिए, और ये प्याज का बीज भी है। और हम यहाँ एक नींबू का पौधा भी है। हाँ, उसको भी सूखी छड़ियाँ है वो तोड़े हैं ये, और उसको थोड़ा ऊंचा किया है। ये ज़मीन पर टेढ़ा हो गया था, इसलिए कुछ पिक्चर्स भी मैं आगे ऐड कर रहा हूँ, ताकि उसकी सूखी छड़ियों को तोड़ने के बाद ये कैसा लगे। देखो कितनी बम्पर फूल आए हुए हैं, और नींबू भी बहुत ही ज़्यादा लगते हैं। अब नीचे से भी हवा लगेगी पौधे के ऊपर करने से, और धूप भी प्रॉपर आती रहेगी इसमें। अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। हाँ, इसकी सूखी टहनियों को तोड़ने के बाद ये इस तरह से लग रहा है, और ऊपर भी कर दिया गया है। ये देखिए, एकदम खुला खुला सा हो गया है। और ये हमारे कुछ सेब के पौधे हैं, 10 इस साल मंगाए थे हिमाचल से, वो भी अच्छे ग्रो कर रहे हैं और फूल भी आए थे इस बार। धन्यवाद दोस्तों।